मुंबई पहुंचे और कई जगह ऐसा लिखा पाया जाता है कि 1 वर्ष तक बिल्कुल अनिश्चय में थे। हाँ मतलब जब मैं वहां पहुंचे तो ऑफिस नहीं, अब एक तो आदत नहीं थी ना कि कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या बोलें। अपनी तो एक आदत बनी हुई थी कि भाई उनसे जाकर पैसा लेना है, उसके जाकर रिहर्सल करना है, और पैसे होंगी और उसका हम लोग शो करेंगे। ये एक परंपरा बनी हुई थी पिछले इतने सालों से, 14 साल से। अब अचानक मुंबई पहुंच गए आप। बंबई पहुंचने में तो जो है जाके वहां फोन पे लाइन लगा के फोन करो, वहां साला कोई उठाता है तो कोई जवाब ही नहीं देता है, टेढ़े मेढ़े रहा है बाद में करना, तो वो बड़ा जलालत महसूस हो। तो कुछ समझ में नहीं आया। और लोगों को देखें तो लोग जो है ग्रीक ग्रीक फीचर्स, वो ऐसे ये उनका नुकीली सी नाक है, लंबे हैं, बॉडी है, फलाना है, ढमकाना है सब। और हमको लगे कि यार यहाँ तो कहीं हम फिट ही नहीं हो रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं। चपरासी और रोल और हवलदार का रोल भी वैसे ही चिकने लोग कर रहे थे। तो समय बीतता गया, समय बीतते बीतते जो है वो ऐसे ही घूमते टहलते बीतता गया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जो है उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र जो है उनके चीफ हुए चाणक्य में, तो उन्होंने कहा कि तुम हमको असिस्ट करो। हम बोले अरे हम तो कुछ जनवे नहीं करते हैं डायरेक्शन। हम बोले तुम सब कर लोगे। राजन कोठारी शूट कर रहे थे चाणक्य। हाँ वो राजन कोठारी शूट कर रहे थे। फिर वहां पे जो है हम गए और डायरेक्शन में जो है उनके लग गए। थिएटर के आदमी थे तो सब चीज आसान था। ऐसा लगा कि लोग बड़े खुश रहते थे, कहीं कोई अच्छा समस्या नहीं होती थी। आप शूट करते रहो कहीं समस्या नहीं होगी। सुबह उठे अपना एचडी पे 2 हजाम बैठाया पीछे, और ठीक 6:30 बजे 7:45 बजे फिल्म सिटी में घुसे। वहां लाइन से जो है कुछ 70 लोग बैठे हैं जो चिंदी सट्टी हैं, जिनकी जो क्राउड है वो हजाम को लगा दिए, ले भाई खच 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 सबका बाल उड़ाओ। यानी एक दिन वो बढ़ता है ना, बाल उड़ाओ। उधर मेकअप का जो असिस्टेंट है इधर चिट्टी लगाओ, सबको इधर बैठाओ। उसके बाद सब ऐसे काम खत्म। अब उसके बाद ये काम लगा के फिर जो है आज सीन कौन सा है, उसका कॉस्ट्यूम लगाओ भाई, ये कॉस्ट्यूम, ये कमरा इनको दो, इसमें इनका कॉस्ट्यूम, सब एकदम। मतलब हमको लगा ये सब काम तो बहुत मुश्किल नहीं है। थिएटर ने बहुत तैयार कर दिया था इस तरह कामों के लिए। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि थिएटर अगर आप कर लोगे, थिएटर नाटक नहीं, नाटक में तो आप खाली जाते हो रिहर्सल करने, थिएटर तो ये सारा कुछ आसान हो गया। वहां राजन भाई मिले, राजन भाई हमको बड़ा मानने लगे, और फिर एक पॉइंट पे राजन भाई ने उसे छोड़ दिया तो हम भी छोड़ के जो है चले आए और राजन भाई के साथ लग गए। वो फिल्म बना रहे थे, तो अभी कैमरामैन फिल्म बनाएगा तो कैमरा भी वही करेगा, तो हम दोनों में जैसे समझ में तो दोनों ही चीज आने लगती है ना। तो वो मेरे बड़े भाई जैसे थे और अच्छा बहुत मानते थे वो हमको, और बहुत आनंद आता था हमको उनके साथ। एक तो जी और और जो इस शहर में जो मैंने करप्शन देखा था, मुझे लगा कि यानी अपनी इंडस्ट्री में कि मुझे लगा कि ये आदमी जब ईमानदार होकर सरवाइव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं सरवाइव कर सकता हूं। और मैंने ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा। तो वो एक तरह से मेरे जीवन का मार्ग उन्होंने दिखाया कि भाई तू वही रह जो तू है। और उन्होंने कहा भी एक बार कि तुझको फिल्म नहीं मिलेगी जल्दी, क्योंकि तू कभी धोती पहन लेता है तो बदल जाता है, पतलून पहन लेता है तो बदल जाता है, कभी बाल इधर कर लेगा तो शक्ल बदल जाएगी, मूंछ रख लेगा तो कोई पहचानेगा नहीं। तो बोले यहाँ पे लोग पहचानने नहीं आए हैं, इमेज देखते हैं, इमेज एक रखो। हम बोले राजन भाई तो होगा ही नहीं, तो ये बात सही निकली कि भाई आज ऐसे दिख रहे हैं कल वैसे दिखेंगे। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगता है कि भाई इसको किस रोल में देना है, क्योंकि पिछली बार तो जो है उस शक्ल में दिखी थी, इस बार इस शक्ल में दिख गया। खैर तो वो समय भी धीरे धीरे आएगा, आ ही रहा होगा।